हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप है अभिषेक के साथ। सबसे पहले आप सभी को थैंक्स, आपने मेरे 300 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए। आई होप हम अपने 1000 सब्सक्राइबर ही बहुत जल्दी पूरे करें। सो आज की वीडियो में मैकेनिकल वे देखेंगे किस तरीके से हम फिजिकली उस टैंक में से एलगी को क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एलगी हटाने के लिए जो मैं यूटेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो है ब्रश एंड ब्लेड। मेक श्योर अगर आप घर में छोटे हैं तो आप ब्लेड से काम ना कीजिए। आप ब्लेड की जगह कोई भी क्रेडिट कार्ड या ऐसा कार्ड ले सकते हैं जो आपको स्क्रैच करने में आसानी दे। अगर ये आपसे काम ना हो तो आप घर में किसी बड़े की हेल्प ही ले सकते हैं। आपको कोई भी एक ऐसा यूटेंसिल चाहिए जिससे आप अपने टैंक के ग्लास को स्क्रैच कर सको, बट मेक श्योर वो आपको इतने ध्यान से करना कि आपके टैंक की जो सिलिकॉन जेल होगी वो ख़राब ना हो। उसके अलावा मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं फाइन एजिस पे और जितने मेरे टैंक में ऑर्नामेंट्स हैं उसको मैं अच्छे से क्लीन कर सकूँ। सो ये सारे वो यूटेंसिल्स थे जिससे मैं अपने आप टैंक को साफ़ करने वाला हूँ। एलगी रिमूव करने से पहले अपने टैंक को आप अच्छे तरीके से खाली कर लीजिए। मेरे पास जो टैंक है काफ़ी लो मेंटेन टैंक है, ऐसे मैंने सिर्फ दो ही प्लांट लगा रखे हैं। दोनों प्लांट मेरे एनओबीएस है। मेरा टैंक हैवी प्लांटेड ना होने की वजह से मैं ईजिली अपने टैंक को खाली कर सकता हूँ। सो टैंक की अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए मेरे पास जितने भी ऑर्नामेंट्स थे, जितनी भी डेकोरेटिव आइटम्स थी, उन सभी आइटम्स को मैंने अपने टैंक से निकाल ली। जितने मेरे पास शेल्स थे, जितने भी स्टोन थे, मेरे पास वो दोनों प्लांट जिनको मैंने स्टोन एंड वुड पे लगा रखा था उन दोनों को भी बाहर निकाल ले ताकि उनको भी मैं आराम से लीफ पे ईजिली साफ कर सकूँ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको हमेशा ध्यान देना है जब भी आप अपने डेकोरेटिव आइटम टैंक की साफ करें या फिर किसी भी प्लांटेड टैंक की साफ करें, सो मेक श्योर वो अपने डेकोरेटिव आइटम किसी भी तरीके के केमिकल से यूज़ ना हो। वो आप उसे सिंपली वाटर से भी साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने शेल को कर रहा हूँ। मैं अपने शेल को ब्रश से डीपली और अच्छे तरीके से साफ़ करूँ ताकि उसमें एलगी का कोई भी पार्ट ना रहे। मुझे शेल को इसीलिए ब्रश से साफ़ करना पड़ रहा है क्योंकि अगर एलगी का कोई भी पार्ट उस शेल पर रहेगा तो बहुत ही जल्दी उस टैंक में दोबारा ग्रो हो जाएगी। मेरे टैंक में जो एलगी है वो है ग्रीन डस्ट एलगी। ये एलगी क्या करती है, हमारे टैंक में जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं या फिर हमारे टैंक का जो ग्लास है उसके ऊपर एक ग्रीन डस्ट की पूरी लेयर बना देते हैं। वो इतनी ज़्यादा लेयर बन चुकी होती है कि पूरा टैंक आपको एलगी से भर चुका होता है। जैसे कि आप मेरे एनुबिस प्लांट में देख रहे होंगे, उसके ऊपर के लीफ के टिप पे पूरी एलगी की एक लेयर जम चुकी है। इस समय जो आपको ब्रश पे दिख रहा है वो हमारी ग्रीन डस्ट एलगी है। सिर्फ इसी वजह से मैंने अपने प्लांट को बाहर निकाला था, क्योंकि ग्रीन डस्ट एलगी प्लांट के ऑन लीफ पे एंड उनके ऑर्नामेंट पे चिपक जाती है। एंड अगर आप उन चीज़ों को क्लीन नहीं करोगे तो वहाँ पर आपके एलगी आने के चांसेस और एलगी दोबारा आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सारे ऑर्नामेंट साफ़ करने के बाद मैं अपने टैंक की क्लीनिंग करूँगा। देन इसके बाद अपने ब्लेड या फिर कोई भी ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो जिससे आप अपने टैंक के ग्लास पर लगे एलगी को क्लीन कर सकते हो। मेक श्योर आप इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप एलगी साफ़ करें एलगी के स्ट्रोक डाउनवर्ड टू अपवर्ड होने चाहिए। मतलब कि जब भी आप अपने टैंक से एलगी हटाए तो एलगी हटाते हुए हमेशा एलगी को नीचे से हटाते हुए ऊपर की तरफ लाए, क्योंकि जब आप इस तरीके से करेंगे तो सारी एलगी आपके जब शीशे से हटने के बाद वो पानी के सरफेस पे आ जाएगी एंड जब आप पानी चेंज करेंगे वो ईजिली आपके बकेट में आके उस टैंक से ईजिली बाहर आ सकती है। एलगी को क्लीन करते हुए हमें सबसे ज़्यादा इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारी एलगी अच्छे तरीके से टैंक से निकल जाए। जितनी कम हम एलगी टैंक में रखेंगे उतने ही कम चांसेस होंगे एलगी की दोबारा टैंक में आने के लिए। मेक श्योर अगर आप ब्लेड का यूज़ कर रहे हैं तो उसको इतनी सावधानी से यूज़ करें कि उसको क्लीन करते हुए आपके टैंक के सिलिकॉन जेल नहीं हटनी चाहिए। आप एलगी हटा रहे हैं, आप जेल नहीं हटा रहे। अगर जेल हटेगा तो आपके टैंक में लीकेज हो सकती है जो आपको बाद में प्रॉब्लम देगी। एलगी आने के प्लांटेड टैंक में बहुत सारे रीज़न होते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपके टैंक में सिर्फ ग्रीन डस्ट एलगी ही आए। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एलगी आ सकती है। ग्रीन डस्ट एलगी होगी, कॉटन एलगी होगी, वाइट एलगी होगी। तो डिपेंड करेगा कि आपका टैंक किस तरीके से प्रेजेंट हो, वहाँ पर किस तरीके से आपकी एलगी आ रही है। सबसे पहला रीज़न जो होता है वो आपका इमेच्योर टैंक होगा। अगर आपका टैंक इमेच्योर है तो वहाँ पर एलगी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इमेच्योर टैंक का मतलब, अगर आपका टैंक साइकिल नहीं है, अगर आपके टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं है, तो सबसे पहले अगर आपके टैंक में कोई अटैक करेगा तो वो होंगे एलगी। दूसरा रीज़न जो आपकी एलगी लगने का होता है वो होता है प्लांट्स। अगर आप प्लांटेड टैंक बना रहे हैं और
उस टैंक के रेशो के हिसाब से आपने मिनिमम 70% टैंक में प्लांट्स नहीं लगाए तो उसमें आपकी एलगी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मेरे टैंक में, मैंने अपने टैंक में सिर्फ एनिबिस प्लांट लगा रखा है जो मेरे टैंक के डायमेंशन के हिसाब से बहुत कम है। एलगी होने का थर्ड रीज़न हमारे टैंक में होता है लेस अमाउंट ऑफ CO2। प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए CO2 का अमाउंट चाहिए होता है। जितना ज़्यादा उन्हें CO2 मिलेगा उतने ही ज़्यादा प्लांट आपके हेल्दी होंगे, और जितने ज़्यादा वो हेल्दी होंगे प्लांट्स में एलगी लगने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। मेरे पास एनिबस प्लांट है और एनिबस प्लांट एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इससे इतने CO2 की नीड नहीं होती कि मैं इसमें CO2 सिलेंडर लगाऊं। सिर्फ इसी वजह से मैंने अपने टैंक में CO2 सिलेंडर नहीं लगाया हुआ, और यही एक मेन रीज़न है कि मेरे टैंक में CO2 कम होने की वजह से मेरे टैंक में इतनी रिपीटेडली एंड बहुत जल्दी एलगी आ जाती है। तो CO2 का कम अमाउंट होने की वजह से भी आपके टैंक में एलगी अटैक कर सकती है। अनदर रीज़न आपके टैंक में जो एलगी का होगा वो होगा ऑर्गेनिक मटीरियल। अगर आपके वाटर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मटीरियल है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जितना ज़्यादा आपके पानी में न्यूट्रिशन वैल्यू है, जितने ज़्यादा आपके टैंक में एक्स्ट्रा फूड प्रेजेंट है, वो उसे डिजोल्व करने के बाद पानी में उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देता है, और जितनी ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक फूड होगा उतना ही ज़्यादा उसमें एलगी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू इन योर टैंक ऑल्सो अट्रैक्ट सी एलगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ज़्यादा लाइटिंग होने की वजह से भी एलगी होने के चांस होते हैं। अगर आप प्लांटी टैंक रख रहे हैं, आप LED लाइट यूज़ करते हो, उनके एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइटिंग होनी चाहिए। अगर आप उन अमाउंट से ज़्यादा उनको लाइट दोगे तो आपके टैंक में एलगी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप लाइट दोगे उतने ही चांसेस आपकी एलगी होने के हो जाएंगे। ये सारे वो मेन फैक्टर थे जिनकी वजह से आपके टैंक में एलगी होगी। मेक श्योर आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये सारे फैक्टर मैंने आपको ग्रीन डस्ट एलगी के बताए। फिजिकल तरीके से एलगी को हटाना बहुत ही प्रेशर वाला काम होता है, आपको हर 10 से 12 दिन में आपको बार बार एलगी साफ करनी पड़ेगी। सो कमिंग वीडियोस में मैं आपको एक बायोलॉजिकल वे भी बताऊंगा जिससे आपको एलगी हटाने की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बस कुछ स्पेसिफिक फिश लाके आपको अपने टैंक में डालनी होगी, वो सारा काम कर देंगे आपका एलगी हटाने का। एंड खास बात ये कि वो फिशेज़ आपके टैंक को हार्म भी नहीं करेगी। हार्म इन द सेंस कि वो फिशेज़ जो भी आपने प्लांट्स लगा रखे हैं उन प्लांट्स को हार्म नहीं करेगी। मेक श्योर जब आप टैंक साफ कर रहे हो तो आप सिर्फ फ्रंट ग्लासेस साफ ना करें। एलगी हटाते हुए आपको सारे ग्लासेस का ध्यान देना है कि जितने भी ग्लास पे एलगी लगी है, बेशक फ्रंट हो या साइड ग्लासेस हो, आपको सभी ग्लासेस पे वो से एलगी साफ़ करनी है। जब आप उस एलगी को स्क्रैच कर चुके होंगे तो आप किसी भी ब्रश से आप उसको एक बार पूरे ग्लासेस को साफ़ कर सकते हो। अगर एजिस पे या कॉर्नर पे जहाँ पर आपके कार्ड अच्छे से काम नहीं कर पाते या फिर कार्ड वो नहीं पहुँच पाएंगे तो वहाँ से एलगी को साफ़ करने के लिए वो ब्रश काफ़ी काम आएगा। मोस्ट ऑफ दी हॉबीज क्या करते हैं, जब भी वो अपने टैंक से एलगी को हटाते हैं वो सिर्फ टैंक साफ करते हैं, बट वो भूल जाते हैं अगर उनका टॉप मोस्ट फिल्टर है तो उन्हें फिल्टर भी साफ करने की नीड होगी। सो आई रिकमेंड जब भी आप अपने टैंक से एलगी को हटाए तो ध्यान रखें कि अगर आपका टॉप मोस्ट फिल्टर कोई भी फिल्टर हो सो हमेशा अपने फिल्टर का मीडिया, अपने कॉटन या फिर कोई भी ऐसा मीडिया जो रिसाइकलेबल है उसको अच्छे से साफ करके रिसाइकल करके दोबारा सेट करें ताकि उसमें कोई भी एलगी ना रहे जो आपके टैंक को दोबारा डर्टी कर सके। यहाँ पर अपने फिल्टर के बायो मीडिया के लिए मैं सिर्फ कॉटन एंड सिरामिक रिंग यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टैंक काफ़ी छोटा है, तो उसके अलावा मुझे और कोई नीड की जरूरत भी नहीं है। बट यहाँ पर मैंने अपने टैंक में कॉटन सिरामिक रिंग कुछ पैलेट्स हमने एक्टिवेटेड चारकोल के डाले हैं जो मेरे टैंक को काफ़ी साफ करने में हेल्प करता है। तो एलगी साफ करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वाटर चेंज करना है। वाटर चेंज करने का आपको फ़ायदा यह होगा कि जितने भी एलगी आपने ग्लास से हटाई है वो सारी एलगी आपके पानी में फ्लोट कर रही होंगी, तैर रही होंगी। तो वो पानी खाली करने के बाद इनडायरेक्टली आपकी सारी एलगी उस टैंक से क्या आ चुकी है, आपकी बाहर आ चुकी है। जब भी आप वाटर चेंज करोगे तो आपके वाटर का ऑर्गेनिक कंटेंट काफ़ी चेंज होगा। सो ऑर्गेनिक कंटेंट कम होने की वजह से आपकी न्यू वाटर में एलगी आने के चांसेस थोड़े से स्लो हो जाते हैं। एलगी आएगी जरूर, फॉर श्योर, अगर आपका टैंक इमैच्योर है तो एलगी पक्की बात है वो आएगी, लेकिन उसकी आने का टाइम पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि उस समय आपके वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट क्या है, काफ़ी कम। मेक श्योर जब भी आप वाटर चेंज करें जो वाटर अपने टैंक में डाल रहे हैं उस पानी का एंड आपके एक्वेरियम वाले पानी का टेम्परेचर सेम होना चाहिए।
अगर आपके दोनों पानी में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो आपकी फिशेस स्ट्रेस में आ सकती है एंड वाटर चेंज करते टाइम आपकी कोई फिशेस मर भी सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम पानी चेंज करते हैं तो हमारी एक ना एक आधी फिश निकल जाती है, उसकी वजह ये होती है अगर आपकी फिशेस पहले से एक्वेरियम के वाटर में है एंड आप पानी और ऊपर से डाल रहे हो और अगर उसका टेम्परेचर सेम नहीं है तो एक्वेरियम के टैंक का टेम्परेचर सडनली चेंज होने की वजह से वो एकदम स्ट्रेस में आ जाती है एंड वो स्ट्रेस उनकी डेथ का कॉज होता है। सो आई रिकमेंड अगर आप वाटर चेंज कर रहे हैं तो पानी को पहले इस बाल्टी में भर के 15-20 मिनट के लिए रूम में रख दें ताकि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए सेम, मीन सेम होने के बाद अपने आप अपने पानी को चेंज कर सकते हैं एंड बस आपके टैंक से एल्गी पूरी क्लीन हो चुकी है। अब आपको सारे स्टेप रिवर्स मारने, जैसे जितने भी सारा आपने सामान निकाला था अपने डेकोरेटिव आइटम, वही सारे डेकोरेटिव आइटम एंड प्लांट्स आपको अपने हिसाब से अपने टैंक में सूटेबल तरीके से आपको अरेंज कर देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप, जिन्होंने भी मेरी पुराने वीडियोज़ देखी होंगी वाटर चेंज करने की, सो आई ऑलवेज रिकमेंड जब भी आप अपने टैंक का वाटर चेंज करें आपको हमेशा अपने वाटर में मेडिसिन डालनी है और वो सारी मेडिसिन मैं अलग से सारे वीडियो में कवर कर चुका हूँ। जनरल मेडिसिन पे अलग वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बोर्ड में दे दूंगा एंड प्लांट्स की जो फूड है ना उसके CO2 की जो मेडिसिन है उनकी वीडियो मैंने अलग बना रखी, दोनों के लिंक आपको आई बोर्ड पे दे दूंगा। इसके अलावा एक बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है जिस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उस मेडिसिन का यूज़ मैं इस टैंक पे कर रहा हूँ, उस पर बात हम अलग से वीडियो में करेंगे। जो और आपको जो मेडिसिन डालनी है वो एंटी एच, जनरल एड एंड एंटी क्लोरिन। आप एंटी क्लोरिन अपने टैंक में तभी डालिए जब आप कॉर्पोरेशन वाटर यूज़ करो, अगर म्यूनसिपैलिटी वाटर आप यूज़ नहीं कर रहे तो आई रिकमेंड कि आप एंटी क्लोरिन ना डालें, आप एंटी एच एंड जनरल एड ही अपने टैंक में डालिए। प्लांट मेडिसिन एंड प्लांट को स्ट्रेस से बचाने के लिए, प्लांट की अच्छी ग्रोथ करने के लिए आपको दो मेडिसिन रिकमेंड करूँगा, एक आपका फाइटोकार्प एंड आपका है प्लांट फूड, ये दोनों ही प्लांट की ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे। एंड रही बात लास्ट मेडिसिन की जो है पैरासिडो, ये कैसे वर्क करते हैं, क्या काम होता है और कैसे मल्टीपर्पज़ में काम आते, इसकी पे हम पूरे एक अलग वीडियो बनाएंगे। सो आई होप इस वीडियो में मैंने सारी बातें कवर कर दी हैं जो एल्गी हटाने के लिए हमें चाहिए होती है फिजिकल मेथड से। एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि एल्गी को हम नेचुरल और बायोलॉजिकल मेथड से किस तरीके से हटा सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, आपने मेरे 300 सब्सक्राइबर करा दिए। सो नेक्स्ट टारगेट हम रखेंगे 400 सब्सक्राइबर का, जल्दी से आप मेरे 300 से 400 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।